फिर मैं ले आई इन्हें इनके रूम में ताकि ये लोग फ्रेशन अप हो सकें, चेंज वेंज कर लें। लेकिन कीनू को तो खेलना था, तो इसीलिए वहाँ पे एक डॉल रखी हुई थी जो उसे दिख गई, तो मैंने उसे निकाल के दे दी। एंड फिर इसकी एक फ्रेंड जिसे ये पुणे में मिली थी वो आ गई इसके साथ खेलने के लिए, और वो कौन है देखिए। हाँ, सो जब मेरी मम्मी पुणे में थी तब मम्मी अनुषा के घर जाया करती थी, और उस वक्त से ये रेनू नानी है कीनू के लिए, और ये दोनों एक साथ रूहान के साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो गाना गा के रूहान को सुना रही थी। और ये जिसके लिए कीनू इतनी दूर आई अपने रूहान लिटिल ब्रदर को राखी बांधने के लिए, तो यहाँ वो रूहान को राखी बांध दी। और सबसे क्यूट बात आपको पता है, उसे नॉट बांधना आता ही नहीं, लेकिन वो कुछ तो कर रही थी, उसको लगा कि नहीं नहीं मैं बांध लूँगी। So it's next day and we are ready to go. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता है दीपिका की बेस्ट फ्रेंड अनुषा और उसकी बेटी कीनू आई थी रूहान से मिलने, और रूहान के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और खेला भी। और अनुषा की बेटी जो है रूहान, दीपिका के मम्मी को नानी बुलाती है, क्योंकि वो भी पहले पुणे में रहते थे और अनुषा भी पुणे में ही सेटल है, तो उन लोगों को मुलाकात होती रहती है, और इसीलिए बहुत अच्छे से अनुषा की बेटी जो है मम्मी को पहचानती है और नानी भी बुलाती है। इसीलिए दोनों मिलके बहुत दिन बाद बहुत गपशप की, टाइम स्पेंड की, और बहुत अच्छे से उन लोगों का दिन जो है गया है। और आप लोग दुआ कीजिए रूहान के लिए, बहुत जल्दी रूहान का फेस्टिवल वीडियो आने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए।